उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपने साथ भर्ती किया। इन लोगों के इंडिया सौरा के साथ ताल्लुकात बढ़े। उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए इसराइली मदद लेने को भी तैयार थे। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तखरीबकारी कर रही है और एनडीएस अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान भेजती है। हथियार डालने वाले कलदम जमात उल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी बयान जारी। कलदम टीटीपी ने इस्लाम के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया। सोशल मीडिया पर इस्लाम की गलत तशरीह की। कलदम तंजीमें भत्ता लेती हैं और कत्लेआम करती हैं। मुल्ला फजलुल्लाह ने अपने उस्ताद की बेटी से जबरदस्ती शादी की। एहसानुल्लाह एहसान ने कई राजों से पर्दा उठाया। भारत ने एक बार फिर कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई मांग ली। कैदियों तक रसाई का मुआहदा है, जासूसों तक नहीं। पाकिस्तान का साफ साफ जवाब। सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाला पर मौकिफ वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली के अहम मनसब की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहर कायद में तखरीबकारी की एक और साजिश पकड़ी गई। न्यू कराची में रेंजर्स का छापा। एमकेएम लंदन का भारी मिकदार में असलहा बरामद। कराची उर्दू बाजार ऑपरेशन की तहकीकात में मजीद पेशरफ। चार गिरफ्तार मुलजिमान में तीन सगे भाई हैं। पुलिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के हवाले कर दिए। डेरा बुक्टी में फरारी कमांडर वजीर खान ने सात साथियों समेत हथियार डाल दिए। मुल्ज़िम सिक्योरिटी फोर्सेज और गैस पाइपलाइंस पर हमलों में मुलव्वस थे। पैनामा के बाद शहर इक्तदार में जॉन लीक्स का हंगामा। रियासत को सड़कों पर घसीटा गया। दुश्मन को मालूमात दी गई लेकिन हुकूमत सब लोगों को छोड़ देगी। छोटे सरकारी मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 10 अरब मरतबा इमरान खान रावलपिंडी के शैतान और मक्कार मौलवी पे लानत भेज सकती है, रुपया नहीं दे सकती। जुबान बंदी की कीमत 10 अरब रुपए। इमरान खान सच्चे हैं तो ऑफर करने वाले का नाम बताएं। राणा सनाउल्लाह का चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से कप्तान के इल्जामात का अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने भी पेशकश करने वाले का नाम सामने लाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन का तीसरे रोज भी एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना। गो नवाज गो के नारे। हुकूमती अरकान के रो इमरान रो के जवाबी बार। वजीर आजम बचने वाले नहीं, कौम तैयार रहे। मर्दमशुमारी अमले को इलेक्शन तैयारियों का भी कहा गया है। शेख रशीद की नई पेशगोई। हर 15 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मखसूस नशस्तों के इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम को नाअहल करार दे दिया। पंजाब में थानों को कंप्यूटराइज करने से आवाम को फायदा हो रहा है। स्कूलों में 50,000 टैबलेट तकसीम कर रहे हैं। वजीर आला शहबाज शरीफ का अरफा करीम जावर में तकरीब से खिताब। लोड शेडिंग खत्म करो, पानी और गैस दो। जयालों का बाजार कायद के सामने धरना। रहनुमा और कारकुन पहुंच गए पार्टी तरानों पर भंगड़े।